स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए एक और सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ गई। देश में केसेस जो हैं एक बड़े रिकॉर्ड पे पहुंच चुके हैं, यानी मिड सितंबर के बाद अब तक भारत में सबसे बड़ा केसेस का रिकॉर्ड किया गया है, यानी 93 क्रॉस कर चुका है भारत में नए केसेस के, यानी कि देश में जो खतरा है एग्जामिनेशन को लेकर उससे पहले ही देश में 93 आ चुका है। तो ऐसे में मई में परीक्षाओं को किस तरीके से ली जाएगी, देश में केसेस बढ़ रहे हैं, क्या छात्रों की राय जो है एग्जामिनेशन को लेकर प्रिंसिपल और देश बड़े एक्सपर्ट जो है सीबीएसई बोर्ड की, उनकी सजेशन होम बोर्ड को लेकर, छात्रों की बातों को होम बोर्ड को लेकर क्या सीबीएसई बोर्ड बातों को सुनेगी, एग्जाम्स को क्या पोस्टपोन किया जाएगा क्योंकि मई में एग्जामिनेशन है और उससे पहले ही देश में खतरे का अलर्ट जो है, केसेस का जो अलर्ट है वो तेजी से फैल रहा है। इसी बीच सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी 10वीं 12वीं के लिए कुछ बड़ी अपडेट है और साथ साथ आपके कमेंट्स भी हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एग्जामिनेशन को लेकर, उसके बाद बात करेंगे कि एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर किस तरीके से छात्रों की जो मांग है वो लगातार तेज होती दिख रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से, तो सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, बीते कुछ दिनों में खबरें इस तरीके से फैलने लगी थी कि सीबीएसई बोर्ड ने कुछ ऐसा कहा है कि जिसमें 29 मेन सब्जेक्ट की परीक्षाओं को इस बार 2021 में लिया जाएगा और बाकी रेस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट है उनको सीबीएसई बोर्ड कैंसिल करके उन्हें डायरेक्ट प्रमोट करेगी। ये खबरों को लेकर लगातार कई सारी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस ने किया, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने इस खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड का जो आर्टिकल था ये लास्ट ईयर का है, तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये ओल्ड आर्टिकल को जो है सर्कुलेट किया जा रहा है। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है ऐसा कि मई में जो परीक्षाएं होगी केवल 29 मेन सब्जेक्ट से होगी। तो ऐसे में आप भी अवेयर रहा करिए क्योंकि मैं आपको लगातार अवेयर करता रहता हूं ऐसी खबरों से लेकर। तो दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर इस तरीके से आ रही है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने सबसे पहले ये क्लियर कर दिया था, ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए सर्कुलर दे दिए थे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई छात्र जो है ड्यू टू हेल्थ रीजन यानी कोविड पॉजिटिव या किसी भी हेल्थ रीजन के वजह से उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उनका छूट जाता है, तो उनको सीबीएसई बोर्ड द्वारा रिकंडक्ट करवाएगी 11 जून से पहले और उनका प्रैक्टिकल को दिलवाया जाएगा। यानी उन छात्रों को किसी भी वजह से यानी हेल्थ की वजह से उनका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो उनका प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि उनको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा या उन्हें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से जो है एग्जामिनेशन को उनको रोक दिया जाएगा, यानी कि वो नहीं दे पाएंगे, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड ने ऑलरेडी कह रखा है कि उनके लिए रिकंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो एक और बड़ी अपडेट आ रही है, सीबीएसई बोर्ड ने यह भी क्लियर किया है कि अगर 11 जून तक मार्क्स को यानी 11 जून से पहले अगर स्कूल नहीं करवाएंगे उनका प्रैक्टिकल को और मार्क्स नहीं भेजेंगे तो ऐसे में उन छात्रों का जो मार्क्स है वो जो है विदाउट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये बड़ी बातें हैं जो एग्जामिनेशन को लेकर यहां पे क्लियर की जा रही है, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को करवाना बेहद जरूरी है, सीबीएसई बोर्ड ने यह साफ साफ क्लियर किया है। वहीं एग्जाम को लेकर जैसे कि बात करें एग्जाम को पोस्टपोन को लेकर और साथ साथ होम बोर्ड को लेकर जो लगातार खबरें आ रही है, उसी तरीके से होम बोर्ड को लेकर और साथ साथ एग्जाम पोस्टपोन को लेकर भी जो है कई सारी अपडेट, यानी छात्र जो है लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं छात्र जो है यहाँ पे होम बोर्ड को लेकर कह रहे हैं तो वहीं कई सारे जो छात्र हैं होम बोर्ड के साथ साथ एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर भी कह रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कई सारे जो छात्र हैं उनका लगातार रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से देशों में केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में उनकी जो रिक्वेस्ट है कि होम बोर्ड की जानी चाहिए और होम बोर्ड को लेकर जो रिक्वेस्ट है ऑलरेडी जो है प्रिंसिपल जो है सीबीएसई बोर्ड को एक लिखित रूप में भेज चुके हैं और साथ साथ प्रिंसिपल के साथ साथ जितने एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी सीबीएसई बोर्ड को और देश के एजुकेशन मिनिस्टर को सजेस्ट किया है कि सबसे बेस्ट मेथड है कि सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं के छात्रों का जो परीक्षा है होम बोर्ड किया जाना चाहिए। वहीं पे बात करें होम बोर्ड के साथ साथ कैंसिलेशन को लेकर भी और छात्र जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि एग्जाम्स को कैंसिल किया जाना चाहिए, छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए, केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एग्जामिनेशन को लेकर जो है छात्रों की कई सारी निकाल के जो राय है वो निकल के सामने आ रही है। आप लोग भी एग्जामिनेशन को लेकर कमेंट करिए, आपका जो कमेंट है शॉर्टलिस्ट करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं एग्जाम पोस्टपोन को लेकर जो केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर जो छात्र हैं वो भी काफी चिंतित हैं। एग्जाम पोस्टपोन को लेकर होम बोर्ड को लेकर भी लगातार मांग है, प्रिंसिपल भी ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं जिसपे जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो राय है वो आना बाकी है। एग्जाम्स को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर जी को भी रिक्वेस्ट किया है जिसपे अभी तो जवाब है वो आपको जल्द से जल्द मिलने को लेकर उम्मीदें हैं क्योंकि आपके एजुकेशन मिनिस्टर जी यानी देश के जो पूरे देश के जो प्रिंसिपल है उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द जो है आपके देश के एजुकेशन मिनिस्टर जी इस पे फैसला करेंगे होम बोर्ड को लेकर। तो इसको लेकर जो है जल्द से जल्द सजेशन आने को लेकर भी इंतजार है। लेकिन आप लोग जो है एग्जामिनेशन
एडमिशन को लेकर लगातार कमेंट करते रहिए, क्योंकि 10वीं 12वीं को लेकर जो परीक्षाओं को करवाना एक वेरी रिस्क फैक्टर होगा। ये छात्र के लिए भी है और साथ साथ पेरेंट्स भी हैं। तो ऐसे में होम बोर्ड को लेकर और आपके एग्जाम्स को लेकर जो राय है नीचे कमेंट में दीजिएगा। आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो चाहिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद। लेकिन वीडियो को पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेकर लगातार अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। जय हिंद।